नमस्ते फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं फैन व्हील मशीन को बारे में पूरी जानकारी दूंगा और किस तरह से यूज करते हैं ये भी स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इस वीडियो का पूरा देखिए। फ्रेंड, जैसे कि देख रहे हैं, इस मशीन का नाम है फैन व्हील मशीन। दोनों साइड में फैन रहते हैं, जैसे हमारा टेबल फैन रहता है उस तरह से फैन रहते हैं। एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता है, एक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता है। इसके साथ में एक रिमोट आता है और ये पायरो को फैन की तरफ फ्लावर को बनाने के लिए इसका यूज होता है। ये बहुत जबरदस्त है, बढ़िया है, आपका जो इवेंट है उसमें चार चांद लगा देता है, जबरदस्त है। ये बहुत कम ये लोग यूज करते हैं और जिनके पास भी है अच्छा खासा इसे अर्निंग करते हैं। एकदम सिंपल, इसको यूज करना एकदम सिंपल। एक रिमोट आता है और ये बैटरी ऑपरेट रहता है, इलेक्ट्रिक वाला, इसमें कुछ भी झंझट नहीं रहता, एकदम सिंपल है। इसको हम थोड़ा सा 5 फीट के हाइट पे उसको प्लेस करते हैं और उसका इवेंट को परफॉर्म करते हैं। यह फैन है, ये फैन निकल जाते हैं और इसको ये जो इसका माउंटिंग है इसे फिक्स कर देते हैं। मैं आपको क्लोज दिखा देता हूँ तो ये किस तरह से काम करता है आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, आप रिमोट देख रहे हैं, रिमोट में चार बटन रहती है, ए बी सी डी लिखा है। ए वाला राइट साइड के लिए, बी वाला लेफ्ट साइड के लिए, सी वाला दोनों के लिए, बोथ के लिए, और डी वाला स्टॉप के लिए। तो ए से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, सी से भी शुरू होता है और डी से स्टॉप होता है, डी स्टॉप के लिए और ए बी सी शुरू करने के लिए। ए से एक हो जाएगा, बी से दूसरा हो जाएगा, सी से दोनों हो जाएंगे, डी से बंद हो जाएगा। ये एकदम सिंपल है। और इसको फायर करने के लिए इस तरह से अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मशीन है, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसको यहाँ पे एक उसका बैटरी कंपार्टमेंट रहता है, इसको मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें ये 12 वोल्ट का सिस्टम रहता है, 1.5 वोल्ट की बैटरी, जैसे एवरीडे कंपनी पैनासोनिक की ब्रांडेड बैटरी हमें लगा दी है। चार बैटरी आगे के साइड में और उसको पलटेंगे तो पीछे के साइड में चार है, तो 1.5 × 8 हो जाएगा 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट का ये सिस्टम है, इस तरह से इसके अंदर इसे प्लेस करना है। प्लेस करते समय ये वायर वाला पोर्शन ये बाहर रहना चाहिए, मतलब वायर वाला इसलिए क्योंकि हमें यदि खींचना है तो वायर से हम खींचेंगे और इसको ये कवर को लगा देंगे। ये बैटरी लगाना एकदम सिंपल है। बैटरी लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक पार्ट रहता है, ये निकल जाता है, हमने इसको अटैच किया है ये स्क्रू से। और ये जो लाइट का जो स्टैंड रहता है, पार्लर का स्टैंड, उसके ऊपर हैंग करने के लिए ये माउंटिंग दिया गया है। अभी इसमें सिंपल है, ये इसके बारे में समझा देता हूँ मैं। ये एंटीना है इसका, यदि आप दूर से ऑपरेट कर रहे हैं तो रेंज बढ़ाने के लिए एंटीना दिया गया है। जैसे रिमोट के ऊपर भी, रिमोट के अंदर भी एक एंटीना रहता है, देखिए दोनों में एंटीना रहता है, तो लंबे दूर से भी हो जाता है। ये कनेक्टर है जिसे हम पायरों को कनेक्ट कर पाएंगे और ये दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कनेक्टर है। ये पेयरिंग स्विच है, पेयर इसको पेयर दूसरे दो रिमोट, यदि आपके पास दो मशीन है और एक ही रिमोट से ऑपरेट करना है तो ये पेयरिंग स्विच है। जैसे डांसिंग मशीन में कैसे पेयर करते उसी तरह से इसे भी पेयर कर सकते हैं, मतलब एक ही रिमोट से आपके 2, 4, 6 जितनी मशीन चाहिए उतनी मशीन ऑपरेट हो सकती है। ये एक ही स्विच है, इसमें स्विच चालू करने से ये शुरू हो जाता है। और अभी इसके मैं शुरू करके दिखा देता हूँ, एंटीना की इतनी लंबी जरूरत नहीं, तो इसको फोल्ड कर देता हूँ। देखिए, इसमें ए वाली बटन को मैं प्रेस करता हूँ, देखिए ए वाली बटन को प्रेस करता हूँ, देखिए इस साइड वाला शुरू हो गया, साइड वन शुरू हो गया। अभी इसको डी वाली प्रेस बटन दबाने से बंद हो जाता है। अभी बी वाली स्विच को मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए दूसरे साइड वाला शुरू हो गया है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी हमें दोनों एक साथ शुरू करना है तो सी वाली बटन को मैं प्रेस करूँगा तो देखिए दोनों शुरू हो गए, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से घूम रहा है ये, आप देखेंगे फ्रेंड, इसका इनबिल्ट टाइमिंग रहता है, वो 1 मिनट के बाद खुद ही मशीन बंद हो जाती है। 1 मिनट का इसका टाइम रहता है, 1 मिनट के बाद ये मशीन बंद हो जाती है। तो ये डी वाली स्विच को मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए डी वाली स्विच को प्रेस करने से ये बंद हो जाता है, दोनों बंद हो गए डी वाली स्विच दबाने से। और फ्रेंड्स, अभी इसमें क्या है, पायरों का कनेक्शन किस तरह से करना, तो पायरों का कनेक्शन इसे सीरीज में करना पड़ता है। आप देखेंगे कि ये जो इसका व्हील है इसमें 6 पायरों लगते हैं, 6 पायरों एक साथ लगेंगे। हमारा जो ये बॉक्स रहता है इसमें 6 पायरों रहते हैं, जिसे आप देखेंगे ये ब्लैक प्रो पायरो है ओरिजिनल, इसमें 6 पायरों रहते हैं और 6 पायरों एक साथ लगते हैं और ये सीरीज में रहते हैं, मतलब एक पायरों का एक छिरा दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे एक दूसरे के सीरीज में आएगा और दो दो आखिरी जो छोर रहेंगे, मतलब दो जो आखिरी जो सिरे रहेंगे वो इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे हम बटन दबा देंगे तो इसमें से सप्लाई फॉरवर्ड हो जाएगा, तो हमारे पास ऐसे टेस्ट इंडिकेटर मिल जाते हैं वो चेक करने के लिए कि सप्लाई बराबर फॉरवर्ड होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारा पायरों को फायर करने के लिए, चेक करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ये वायर को कनेक्ट करेंगे। देखिए, मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ये शुरू हो गया है, मतलब हमारा सिस्टम अभी हेल्दी है, मतलब ओके है। इसको मैंने इस साइड में भी कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आप इंडिकेटर लगाने का मतलब ये है कि यहाँ से सप्लाई फॉरवर्ड हो रहा है तो इंडिकेटर चालू हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि हमारा मशीन वर्किंग कंडीशन में है और यहाँ हम जो पायरों कनेक्ट करेंगे ये फायर हो जाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ए वाली बटन को प्रेस करता हूँ तो इधर वाला शुरू हो जाएगा, ए वाली बटन देखो, क्योंकि इंडिकेटर शुरू हो गया था। अभी इसको बंद कर देता हूँ
और फिर एक बार मैं इसको प्रेस करता हूँ, देखिए जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इंडिकेशन शुरू हो जाता है। देखिए शुरू हो गया था, मतलब ये हमारा पायरो फायर हो गया था। अभी डी वाला, अभी ये बी वाला करता हूँ, देखिए इंडिकेटर की तरफ फोकस करना। देखिए जैसे बी वाला प्रेस करता हूँ, देखिए इंडिकेटर शुरू हो गया था, मतलब यहाँ से सप्लाई आ गया था। और अभी सी वाले स्विच को प्रेस करता हूँ, दोनों इंडिकेटर एक साथ शुरू हो जाएंगे। देखो सी वाले स्विच को प्रेस करता हूँ तो देखिए दोनों इंडिकेटर एक बार शुरू हो गए थे। मैं फिर एक बार दिखा देता हूँ, देखिए तो इस तरह से ये सिस्टम काम करेगा और बढ़िया रहता है, यूनिक है, बढ़िया है। और यदि आप लेते हैं पायरो तो सभी लोग लगाते हैं, पर इस तरह से आप मशीन यूज़ करोगे तो आपका काम बहुत प्रोफेशनल लेवल में दिखेगा। ये मशीन बढ़िया मशीन है, ये मशीन यूज़ करके आपके इवेंट को चार चांद लगा सकते हैं और बढ़िया इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। यूनिक मशीन है, इसको लेना चाहिए और ज़बरदस्त आपका काम दिखेगा, मार्केट में आपका नाम रोशन होगा, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें पायरो लगाना एकदम सिंपल है। फ्रेंड्स अभी मैं ये पायरो यूज़ की हुए पायरो है, ब्लैक प्रो पायरो है, इसको यूज़ किया है, मतलब ये यूज़ हो चुके हैं। इसको किस तरह से कनेक्ट करना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपके मन में डाउट से क्लियर हो जाएंगे। अभी हमें दो पायरों को यहाँ कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो ये पायरो है, इसको स्टिक करने के लिए एक एब्रो टेप, ये व्हाइट वाली टेप का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक वाली टेप का यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लैक पायरो प्रो है तो मैंने ब्लैक वाली टेप का यूज़ करूँगा, या इसको केबल टाई रहता है, केबल टाई से भी यूज़ कर सकते हैं। या ऐसे यहाँ पे पकड़ना है और सेलो टेप से इसको, या जो भी टेप है आपके पास उससे इसको पेस्ट करना है, ताकि हमारा जब रोटेटिंग हो जाएगा तब ये निकलेगा नहीं। देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये वाला पायरो यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ आप एक साथ तीन लगा सकते हैं, छः भी लगा सकते हैं, जितने आपको रिक्वायरमेंट है आप उतने लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना इसका फ्लावर अच्छा दिखेगा। तो इसमें आप तो एक तीन लगाइए फिर छः लगाइए। फ्रेंड्स यहाँ पे दो वायर रहते हैं, थोड़े लंबे रहते हैं, इसको काटना जरूरी है। इसको काट लिए उसके बाद में देखो, एक पायरों का एक वायर और दूसरे पायरों का दूसरा वायर, ये दोनों वायर को हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया और दूसरा वायर उसे बाजू में कनेक्ट कर दूंगा। ये दोनों वायर कनेक्ट कर दिया। अभी देखिए आप देख सकते हैं ये दोनों पायरों का एक एक वायर मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी ये दूसरा वायर और ये वाला वायर, ये हर पायरों में लगेगा, एक एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे से चौथे से, इस तरह से इसकी सीरीज बनेंगी, श्रृंखला बनेंगी। तो मैं इसको ऐसा रोल कर देता हूँ, अभी इसको शुरू कर देता हूँ। तो ये वायर जैसे फायर हो जाता है तो एक साथ जैसे मशीन घूमती है तो ऑटोमेटिक यहाँ से खुल जाता है। देखिए मैं इसका ए वाले बटन को प्रेस कर देता हूँ, इस तरह से इसको यूज़ करना है। और जैसे ए वाले बटन को मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये वायर घूमेंगे और घूमने के बाद यहाँ से खुद ही निकल जाएंगे। ये यहाँ पे वायर फिक्स रहते हैं, ये वाला पार्ट है जो फिक्स वाला है और ये घूमने वाला पार्ट है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स रहता है कि घूमने वाला पार्ट है तो हमारे ये वायर निकलेंगे कैसे, हमारा ये सिस्टम टूट जाएगा। टूटेगा नहीं। जब मैं इसको उठा लेता हूँ और अभी ए वाली बटन दबा देता हूँ, देखिए ये प्रेशर से ये वायर यहाँ से निकल जाएंगे। तो ए वाली बटन में दबा देता हूँ, देखिए वायर जुड़े हुए हैं और फायर होने के बाद वायर निकल जाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से शुरू करता हूँ मैं, देखिए वायर निकल गए, इस तरह से ये वायर निकल जाते हैं। इसमें इसको मैं बंद कर देता हूँ। फ्रेंड इसका मैं कंप्लीट डेमो बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो में दिखाया गया कुछ भी मटेरियल प्रोडक्ट आपको परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से हमारा एक ऑनलाइन शॉप है, शॉप पे विजिट करके ये सारा प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं। आपके मन में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।